If you want success in your life, you must develop growth mindset. आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए 7 स्टेप्स फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, जो आपको आपकी बड़ी सफलता के नज़दीक लेकर जाएगा। शुरुआत करते हैं एक शॉर्ट बट इफेक्टिव स्टोरी से। एक गांव में दो भाई रहते थे। समय बीता, एक भाई शराबी बन गया। रोज शराब पी के घर पे आता था, अपने पत्नी और बच्चों से लड़ाई करता था। सभी लोग उससे परेशान थे, परिवार को छोड़िए पड़ोसी लोग भी उससे परेशान रहा करते थे। वहीं पे दूसरा भाई एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने लगा, पत्नी और बच्चों को खुश रखता था और उसने कई सारे सोशल इंगेजमेंट में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया। इसके साथ साथ लोगों की वो मदद भी करता था। दोनों भाइयों की स्टोरी दूर दूर तक फैलने लगी। कुछ पत्रकार इन दोनों के बारे में जानने के लिए इच्छुक हुए। एक पत्रकार शराबी भाई के पास पहुंच गया। उससे पूछा गया कि आखिर आप अपनी ज़िंदगी का जिम्मेदार किसे मानते हैं। उस शराबी भाई ने बोला कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, इसका सबसे बड़ा कारण मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी रोज़ घर पर शराब पीकर आते थे, मेरे से और मेरे भाई से लड़ाई लड़ते थे, मेरी माँ से लड़ाई लड़ते थे, पूरे घर का माहौल पूरी तरीके से ख़राब कर रखा था। और फिर मैंने यही सोचा कि शायद मेरी भी यही ज़िंदगी है और मैं भी शराबी बन गया और आज मैं भी इस तरीके से ज़िंदगी जी रहा हूँ जिसे कोई भी पसंद नहीं करता है। वहीं पे जब वो पत्रकार उस बिजनेसमैन भाई के पास गया और उससे पूछा कि आखिर आप अपनी ज़िंदगी का जिम्मेदार किसे मानते हैं, उस भाई ने बोला कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, उसका ज़िम्मेदार मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी रोज़ घर पे शराब पी कर आते थे, मेरे से, मेरे भाई से और मेरी माँ से लड़ाई लड़ते थे, वो पूरे घर का उन्होंने माहौल ख़राब कर रखा था और मैंने उसी समय ठान लिया कि मैं ये ज़िंदगी नहीं जी सकता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस ज़िंदगी से दूर जाऊँगा। तो मैं अच्छे फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप करने लगा, मैं उनके साथ रह कर पढ़ाई करता था और आज मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। माँ भी एक, पिता भी एक, एनवायरनमेंट भी एक, सब कुछ एक जैसा, लेकिन एक भाई शराबी बन गया और दूसरा भाई बिजनेसमैन बन गया। आखिर अंतर कहाँ पे है? केवल और केवल माइंडसेट का। एक ने फिक्स्ड माइंडसेट को अपनाया और दूसरे ने ग्रोथ माइंडसेट को अपनाया। जो शराबी भाई था, उसने ये कंसीडर कर लिया कि मेरी लाइफ यही है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता हूँ, और उसने अपने आप को अपने पिता की तरह बना लिया। दूसरे भाई ने, जो बिजनेसमैन था, उसने ये डिसाइड किया कि ये मेरी ज़िंदगी नहीं है, मैं ग्रो करूँगा, मैं ऐसी ज़िंदगी से बाहर निकलूँगा, और वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करने के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देखिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिर फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में अंतर क्या होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको केवल और केवल ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने वाले वो 7 स्टेप्स बताने जा रहा हूँ जो आपको आपकी सक्सेस के नज़दीक लेकर जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके जानना वो कौन से 7 स्टेप्स हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। द फर्स्ट स्टेप इज डेवलपिंग रॉक सॉलिड बिलीफ। यस, रॉक सॉलिड बिलीफ, इतना तगड़ा विश्वास कि जिसको हिलाया ना जा सके। अगर आपने ये ठान लिया कि मैं ग्रो करूंगा और मैं अपने आप को सक्सेसफुल बनाऊंगा और उसके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, तो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलकर रहेगी। रिमेंबर दिस लाइन, The highest level of performance is achieved by only and only deepest level of belief. जितना गहरा आपका विश्वास होगा, उतना बड़ा आपका performance होगा। आपने जितने भी बड़े stars को देखा हो, celebrities को देखा हो, जितने भी महान लोगों को देखा हुआ हो, उन्होंने अपने अंदर एक belief पैदा किया। दशरथ मांझी, एक विश्वास था जिसने पहाड़ को काट कर रख दिया। अरुणिमा सिन्हा, एक पैर से माउंट एवरेस्ट की विजेता बन गई। इस रॉक सॉलिड बिलीफ के कारण ही रामेश्वरम से एक लड़का राष्ट्रपति भवन तक पहुंच जाता है और पूरे देश का चहेता राष्ट्रपति बनता है, जिसे हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं।
पेट्रोल पंप पे काम करने वाला लड़का इस देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, जिसे हम धीरू भाई अंबानी कहते हैं। ये सारा सब कुछ अगर हो पाता है, ये पॉसिबल है, तो रॉक सॉलिड बिलीफ के कारण। आप अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करते हो, अपने बैकग्राउंड को एक्सेप्ट नहीं करते हो, बस आप ये चाहते हो, आप ये जानते हो कि मुझे सफल होना है किसी भी हालत में, और आप सफल हो जाते हो। इसलिए ग्रोथ माइंडसेट अगर आपको डेवलप करना है तो सबसे पहले एक बिलीफ डेवलप करना पड़ेगा, स्ट्रांग बिलीफ कि आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, जो आप पाना चाहते हो उसे हासिल कर सकते हो, ये विश्वास होना चाहिए। और फिर रास्ते खुलने लगते हैं और आप आगे बढ़ने लगते हो और आप अपने मंजिल तक डेफिनेटली पहुंच जाते हो। सेकेंड स्टेप इज टेक चैलेंजेस एज एन अपॉर्चुनिटी। यस, मुश्किलों को अवसर में बदलने की कोशिश करो, फिर आपका ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होने लगेगा। ग्रोथ माइंडसेट की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो किसी भी हालत में सीखना नहीं छोड़ते हैं। और अगर आप मुश्किलों को अवसर में बदलने की कोशिश करोगे, इसका मतलब आप सीखना चाहते हो, आप उस मुश्किलों से घबराते नहीं हो। रिमेंबर, इफ इट डजंट चैलेंज यू, इट वोंट चेंज यू। अगर कोई भी चीज़ आपको चैलेंज नहीं कर रही है, वो आपको चेंज नहीं कर पाएगी। अगर कोई भी चीज़ आपको चैलेंज नहीं कर रही है, इसका मतलब आप नई लर्निंग्स नहीं ले पा रहे हो, और जहाँ पे नई लर्निंग्स नहीं है, जहाँ पे नए स्किल्स नहीं है, वहाँ पे आप अपने आप को चेंज नहीं कर पाओगे, ग्रोथ होगा ही नहीं, सक्सेस की तरफ आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इट मीन्स यू हैव टू टेक ऑल द चैलेंजेस एज एन अपॉर्चुनिटी। अगर आप चैलेंज लोगे ही नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ कैसी है, मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है। जब आप उस चैलेंज में जाते हो तो आपको पता चलता है कि मेरे अंदर ये स्किल है, ये वीकनेसेस है, ये स्ट्रेंथ है। अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम करते हो और अपने स्ट्रेंथ को कन्वर्ट करते हो हायर सक्सेस में, हायर स्किल में, राइट? एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ द ग्रोथ माइंडसेट। निदा फाजली जी के चार लाइनें मुझे इंस्पायर करती हैं, जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यस, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, यू हैव टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस एज एन अपॉर्चुनिटी, एंड देन You will move ahead and you will achieve the success. आप challenges को accept करो, opportunity create करो, growth mindset develop करो, और फिर देखना आप success को achieve definitely कर लोगे। Third is avoid other people's opinion. सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। Growth में सबसे बड़ी जो problem है वो यही है। We are not vulnerable. हमें चिंता होती है कि आखिर कोई हमारे ऊपर हंसी कर देगा, हमारी हंसी ले लेगा, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, और फिर एक लिमिटिंग बिलीफ आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हो और ग्रोथ के रास्ते से अलग हो जाते हो। डियर फ्रेंड्स, इफ यू हैव टू अचीव द सक्सेस, यू हैव टू इग्नोर दीज पीपल हु आर लाफिंग एट यू। जो लोग आपके ऊपर हंसते हैं, जो लोग आपके ऊपर मजाक उड़ाते हैं, वो इसलिए हंसते हैं, इसलिए मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो आप जैसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप कुछ नया करने की कोशिश करते हो तो उनको एक अंदर डर रहता है कि कहीं ये आगे न बढ़ जाए, और बस इसीलिए वो आपके आत्मविश्वास को तोड़ते हैं, आपके ऊपर हंसते हैं, आपको क्रिटिसाइज करते हैं, और फिर आप भी टूट जाते हो और उनकी कैटेगरी में आप भी फॉल कर लेते हो। अगर आपको कुछ हासिल करना है, सपने बड़े हैं, तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीखो। कभी भी इनके बारे में ज्यादा ना सोचो, अपने गोल पे फोकस रहो, आगे बढ़ो। ग्रोथ माइंडसेट के लिए आपको ये बात समझनी जरूरी है कि ये लोग जो आपको हमेशा ही फिक्स्ड माइंडसेट में रखना चाहते हैं, उनसे दूर रहो, एंड देन यू विल अचीव दिस सक्सेस। फोर्थ स्टेप इज फोकस ऑन प्रोसेस स्पाइट ऑफ एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपका गोल इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो, लेकिन हमेशा ही आपका फोकस अगर गोल पे रहता है तो ऐसे केस में क्या होता है, गोल मिलने में आपको टाइम लगता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है,
और फिर जब आपको रिजल्ट मिलता नहीं है तो आपका आत्मविश्वास टूटने लगता है, ग्रोथ माइंडसेट से गिरकर आप फिक्स्ड माइंडसेट में चले जाते हो। ऐसे केस में आपके लिए जो सबसे बड़ा हेल्पफुल सीक्रेट होगा वो यही है कि प्रोसेस पे फोकस करो। रिजल्ट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस। व्हेन यू फोकस ऑन द प्रोसेस एवरीथिंग विल ऑटोमेटिकली मैनेज्ड बाय इटसेल्फ। स्वामी विवेकानंदा ने बोला हुआ है, पे एज मच अटेंशन टू द मींस एज टू द एंड। यानी जितना आपका अटेंशन गोल पे रहता है, एंड रिजल्ट पे रहता है, उससे कहीं ज़्यादा आपका फोकस मींस पे होना चाहिए, प्रोसेस पे होना चाहिए। तो गोल्स के ऊपर आपको फोकस तो करना ही है, लेकिन डियर फ्रेंड्स, अगर आप प्रोसेस को पूरी तरीके से अच्छा करेंगे, हर एक स्टेप को अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे, तो डेफिनेटली एंड रिजल्ट तो अच्छा ही होगा। तो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हमेशा ही उस प्रोसेस के ऊपर फोकस करते हैं, एक एक स्टेप को बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करते हैं और डेफिनेटली अपने सक्सेस के रास्ते पे आगे बढ़ते रहते हैं। फिफ्थ इज लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। आचार्य चाणक्य ने बोला हुआ है, दूसरों की गलतियों से सीखो। अपने ही ऊपर गलतियों का प्रयोग करके सीखने में तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। यस, इफ यू हैव टू लर्न, इफ यू हैव टू डेवलप ग्रोथ माइंडसेट, यू मस्ट ऑब्जर्व द अदर पीपल। दूसरों को देखो, कहां पे उन्होंने गलती की है, और उन गलतियों से सीखने की कोशिश करो, उन गलतियों से सीखो, उन गलतियों को अपने ऊपर अप्लाई मत करो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ऐसे ही अगर आप उन सारी गलतियों को अप्लाई कर करके सीखने की कोशिश करोगे तो समय बीत जाएगा, उम्र बीत जाएगी और कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए ये सबसे बड़ी क्वालिटी है ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हमेशा ही दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी गलतियों से सीखते हैं और अपनी लाइफ में उन गलतियों को दोहराते नहीं हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सो लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। सिक्स्थ इज ट्रीट फेलियर एज अ स्टेपिंग स्टोन। यस, फेलियर, असफलताओं को अपनी कमजोरी मत बनाओ, बल्कि उसे सफलता पे आगे बढ़ने वाली सीढ़ी बना लो, स्टेपिंग स्टोन बना लो, उसके ऊपर कदम रखते हुए अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ो। फेलियर के ऊपर मैंने एक बहुत ही पावरफुल वीडियो बनाया हुआ है जो आपके पर्सपेक्टिव को चेंज कर देगा, जो आपके माइंडसेट को चेंज कर देगा। आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को डेफिनेटली देखिए। ये वीडियो इंग्लिश में है, बट मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये वीडियो डेफिनेटली आपको इंस्पायर करेगा और आपके माइंडसेट को चेंज करेगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आप फेलियर्स अचीव कर रहे हैं, इसका मतलब ये सबसे बड़ा सिंबल है, ये बड़ा मैसेज है कि आप ट्राई कर रहे हैं, आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ट्राई करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, अनचार्टेड पाथ पे मूव करते हैं जिस पे आप कभी भी नहीं चल पाए हैं, तो डेफिनेटली फेलियर्स आपको फेस करना पड़ेगा। ये सक्सेस पे आगे बढ़ने वाला एक प्रोसेस है। गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अरे जिसने प्रयास ही नहीं किया, जिसने कोशिश ही नहीं की, उसको हार या जीत का क्या मतलब है, वो कैसे फेल हो सकता है। फेल तो वो लोग होते हैं जो प्रयास करते हैं। तो फेलियर को अपनी कमजोरी मत बनाओ, फेलियर पे प्राउड फील करो कि यस, मैंने कोशिश की है इसलिए फेल हो रहा हूँ, और आज मैं फेल हो रहा हूँ लेकिन उस फेलियर से लर्निंग लूँगा, क्योंकि मेरे पास ग्रोथ माइंडसेट है। और ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने का सबसे बड़ा कारण यही है, यू हैव टू लर्न एट ईच एंड एवरी स्टेप। आप लर्न करो अपने फेलियर से, आप सीखो, नए स्किल्स को डेवलप करो, नए नॉलेज को अक्वायर करो, और डेफिनेटली आप सक्सेस को पाकर ही रहोगे। दिस इज द पावर ऑफ फेलियर। जब आप अपने फेलियर से सीखते हो तो आप नए स्किल्स को डेवलप करते हो, नए नॉलेज को एक्वायर करते हो, जो आपकी सफलता के लिए जरूरी है। सो ट्रीट फेलियर एज ए स्टेपिंग स्टोन, नॉट योर वीकनेस। सेवेंथ स्टेप इज लर्न टू रिसीव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। यस, जो क्रिटिसिज्म है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बात मैं कर रहा हूँ। कुछ आपके जो वेल विशर होते हैं वो आपकी कमियों को दिखाते हैं, एक मिरर की तरह होते हैं जो आपकी कमियों को आपको समझाते हैं, दिखाते हैं, जिससे आप अपनी कमियों को पहचान पाते हो और उसके ऊपर वर्क कर पाते हो, और फिर आप उसके ऊपर वर्क करके उन कमियों को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हो जो आपकी सफलता के लिए रिक्वायर्ड है, जो आपकी सफलता के लिए जरूरी है। कबीर दास जी ने साफ साफ कहा हुआ है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। जो
कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते हैं, जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं, आपकी कमियों को बार बार आपको बताते हैं और वो चाहते हैं कि आप सफलता के रास्ते पे आगे बढ़ो। ऐसे लोगों को अपने पास रखो, ऐसे निंदक को अपना फ्रेंड बनाओ, उनको अपने घर में रखो, घर को सजा कर रखो। ये कबीरदास जी कहते हैं, उनको कहीं जाने मत दो, क्योंकि वो लोग आपके कैरेक्टर को चेंज कर देते हैं, आपको डेफिनेटली एक दिन सक्सेसफुल बना लेते हैं। और ऐसे लोग मेंटर्स होते हैं, ऐसे लोग गाइड होते हैं, ऐसे लोग टीचर होते हैं, ऐसे लोग आपके वेल विशर होते हैं, जो आपको सफलता के रास्ते पे आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने पास रखो। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे कभी भी निराश नहीं होते हैं, वो कभी भी हैरान नहीं होते हैं, नाराज़ नहीं होते हैं। जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं, उनको अगर आप ये बोल दो कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, वो आपसे दूर भाग जाएंगे, क्योंकि उनको अपने आप को चेंज नहीं करना है, वो अपने ईगो पे ले लेते हैं। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं, उनको पता है ही और शी इज माई वेलविशर। जो भी ये क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जो ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो मुझे फीडबैक दे रहे हैं, ये मेरे सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको वो एक्सेप्ट करते हैं, उसके ऊपर वर्क करते हैं और अपने आप को सफलता के रास्ते पे आगे बढ़ाते हैं। सो नाउ द टाइम ऑफ कंक्लूजन। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना ही होगा, और अगर आपको ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना है तो ये 7 स्टेप्स आपको अभी से फॉलो करने पड़ेंगे। मैं एक एक करके फिर से इन सारे 7 स्टेप्स को आपके लिए रीड करता हूं, जिससे आपके दिमाग में ये 7 स्टेप्स बैठ जाएं, आप उसके ऊपर वर्क करो और सक्सेस को हासिल करो। आखिर सक्सेस कौन नहीं पाना चाहता है, कौन नहीं चाहता है कि मैं सफल हूं। लेकिन सफलता के लिए कुछ स्टेप्स हैं, कुछ एक्शंस हैं, जिसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, और वो सारे 7 स्टेप्स आपको सफलता के नज़दीक लेकर ही जाएंगे। सो द फर्स्ट स्टेप इज डेवलपिंग रॉक सॉलिड बिलीफ। सेकेंड स्टेप इज taking challenges as an opportunity. Third step, avoid other people's opinion. Fourth step, focus on process in spite of end result. Fifth step, learn from others' mistake. Sixth step, treat failure as a stepping stone. And the last 7th step is learn to receive constructive क्रिटिसिज्म। डियर फ्रेंड्स, अगर आप इन 7 स्टेप्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर पाओगे और आप सक्सेस के नज़दीक जा पाओगे, अपनी सफलता को अट्रैक्ट कर पाओगे, आप उन सारे हजारों लाखों लोगों से दूर रह पाओगे जो लोग केवल और केवल फिक्स्ड माइंडसेट में ही अपनी लाइफ को बिता रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी माइंड को चेंज किया है, आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर रहा है, तो इस वीडियो को अपने पास तक ही मत रखो। मैं बार बार कहता हूं कि कुछ भी आपको वैल्यू ऐड हो रही है वीडियो से, तो उसको दूसरों तक भी शेयर करो। और मैं आपके लिए ही मेहनत करता हूं, आपके लिए वीडियो बनाता हूं। अगर ये वीडियो आपके लाइफ में थोड़ा भी ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे तो डेफिनेटली मेरा जो मेहनत है वो सफल हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने सपनों के ऊपर काम करते रहो। दिस इज शिव पांडे, द फाउंडर ऑफ इग्नाइटेड ड्रीम्स।